खबर यहाँ पर निकल कर आ रही रीमा, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अशोक गहलोत क्या चुनाव लड़ेंगे एयरपोर्ट पर, जिस तरह से उन्होंने एक मैसेज दिया था, उसके बाद अब खबर आ रही कि अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ सकते हैं, ये संभावना है। जी हाँ, तो पहली सूची की चर्चा दिल्ली में खूब हो रही है कांग्रेस की पहली सूची की, और ये कहा जा रहा है कि सूची में जो नाम है लगभग वो फाइनल है, बस अंतिम मुहर की यहाँ पर जरूरत है जिसका इंतजार किया जा रहा है। आलाकमान का निर्णय फाइनल होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात अशोक गहलोत के सरदारपुरा से चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। दीपेंद्र सिंह शेखावत को श्री माधोपुर से, शांति धारीवाल जो कि एक और बड़ा चेहरा है कोटा उत्तर से, अशोक बैरवा की खंडार और दुर्रुमिया को तिजारा से सीट मिल सकती है। ये तमाम दिग्गज जिनकी सीटों को लेकर के खबरें अब बहुत तेजी से फैल रही है, चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही है। एक बार फिर से दिनेश का रुख करते, दिनेश ये खबर भी बहुत अहम है जो अभी हम बात कर रहे थे, अभी रीमा ने जो सवाल भी पूछा था कि पायलट और गहलोत चुनाव लड़ेंगे तो क्या होगा, कहां से लड़ेंगे, अब सरदारपुरा से संभावना बताई जा रही है गहलोत की। जी बिल्कुल, बिल्कुल अशोक गहलोत लगातार वहां से लड़ते आए हैं, कल और आज उन्होंने मीडिया में। तो ये बड़ी खबर है, दिल्ली तक चर्चा हो रही है राजस्थान के चुनाव को लेकर के, दिल्ली के गलियारों में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची की चर्चा जोरों पर है, और इस लिस्ट में जो नाम है वो लगभग फाइनल बताए जा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बताया था कि 50 से 55 नाम लगभग तय कर लिए गए हैं, पहली सूची लगभग तय कर ली गई है, बस अंतिम मुहर का इंतजार है। और आज की जो बैठक है उसमें आलाकमान को ये अधिकार भी दे दिया जाएगा, क्योंकि जो संविधान है पार्टी का उसको फॉलो किया जा रहा है, और उसके बाद माना जा रहा है कि रीमा इस पर मुहर भी लग जाएगी। कहा यही जा रहा था कि यहां से लिस्ट पे चर्चा करके उसे आलाकमान यानी दिल्ली भेजा जाएगा और दिल्ली से फाइनल, लेकिन हमारे सोर्सेज इतने स्ट्रांग है कि दिल्ली से हमने पहले ही इस तरीके से खबर मंगा ली, अब मुहर लगना बाकी है और मुहर का हम इंतजार करेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि जो दिग्गजों की फहरिस्त है, जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ हमने संभावना बताई थी, लेकिन अब सीटों के बारे में भी हालांकि संभावना ही है, लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है और दिल्ली के गलियारे में चर्चा चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान या जयपुर पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा, शायद दोपहर या शाम तक ये कंफर्म भी हो जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां अशोक गहलोत के सरदारपुरा से चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है, दीपेंद्र सिंह शेखावत को श्रीमाधोपुर से, शांति धारीवाल की कोटा उत्तर और अशोक बैरवा की खंडार और ध्रु मिया को तिजारा से मिल सकता है टिकट। यहां सुषमा इस बात का हम जिक्र करें दर्शकों के सामने कि कांग्रेस पार्टी बहुत बैलेंस वे में इस बार चल रही है, पुराने जितने उसके अनुभव हैं उसको देखते हुए अगर कांग्रेस के बारे में अगर जब बात होती है राजस्थान कांग्रेस में, तो सबसे ज्यादा गुटबाजी की चर्चाएं होती है या दो खेमेबाजी की चर्चाएं होती है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। यही वजह है कि शायद जैसे ही सचिन का नाम आया जी, अजीत मंडोला जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत जी, ये कहा जा रहा है कि एक सूची तैयार हो चुकी है, जैसा फर्स्ट इंडिया ने पहले बताया भी था, बस अंतिम मुहर का इंतजार है, क्या माना जाए कि एक दो दिन में वो क्लियर हो जाएगी तस्वीर, आज जो बैठक हो रही है उसके बाद? नहीं नहीं, इसके बाद क्या होगा कि ये बैठक आज हो जाएगी, उस बैठक में जो भी मोटे तौर पर ये लोग चर्चा करेंगे या तय करेंगे कि एक लाइन का प्रस्ताव भेज दें राहुल गांधी जी को, तय कर दें, अधिकृत कर दें, ये जो भी फैसला करेंगे शाम तक फैसला करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये लोग दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली में जो शैलजा जी की अगुवाई में जो छानबीन समिति बनी है उसके साथ एक बैठक होगी, वो बैठक तय करेगी, उसमें एक जो पैनल होंगे उस पैनल या सूची बनाएंगे। वैसे जो मेरी जानकारी, इन लोगों ने तो पूरी तैयारी कर ली है, सूची बना ली है। कितने कैंडिडेट्स उसमें हो सकते हैं अजीत जी? इन लोगों के नाम तय हैं, फिर ये स्क्रीनिंग कमेटी, मेरा नहीं, मेरा ये मानना है कि 100 के आसपास, पहली लिस्ट में 100 के आसपास नाम निकल जाने चाहिए। और ये लोग, मेरे को जो जानकारी मिली है, जानकारी ये मिली कि दिल्ली आने के बाद, राहुल गांधी के बीकानेर दौरे के बाद यहाँ पर जो है केंद्रीय चुनाव समिति या स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने के बाद ये 15 से पहले पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कर सकते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का मतलब ये कि राहुल गांधी उसकी अध्यक्षता करेंगे और उसमें 15-20 लोग होते हैं और उसमें प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उसमें शामिल होता है जी। तो उसमें फिर मोहर लगती है कि हाँ भाई ये नाम में सहमति बन चुकी है,
इन नामों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाए, तो उम्मीद की जा रही है कि 15 के बाद पहली सूची आ जाएगी। अच्छा, ये बहुत खास बात यहाँ पर रीमा, जो नाम हम दिखा रहे हैं संभावित जो कैंडिडेट है उसमें अजीत जी एक चीज देख रहे हैं, मेवाराम जैन की बात करें तो बाड़मेर से वो हमेशा से रहे, वो एक वहां पर मजबूत कैंडिडेट है। मालवीय की बात करें बागीदौरा से वो मजबूत है, वो लगातार जीत रहे हैं, यानी कि जो पहली सूची है उसको हम देख रहे हैं। चाहे सरदारपुरा की बात करें जहां से गहलोत की बात करें, वो उनके सीट रही है सिटिंग एमएलए, तो पहले क्या उन्हीं सीटों पर फोकस किया जा रहा है जहां पर कांग्रेस मजबूत है? अमूमन यही होता है कि पहली जो सूची होती है उसमें एक तो जो मौजूदा एमएलए होंगे उनमें से अधिकांश के नाम आ जाएंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो मजबूत प्रत्याशी हैं जिनको कि लड़ना है ही चुनाव, माना जैसे गिरजा व्यास हैं या नमोनारायण मीणा हैं या कर्ण सिंह यादव हैं जो ये एमपी भी रहे हैं ये लोग, तो इन लोगों का नाम भी उसमें शामिल होगा। और जो कम मतों से हारे थे पिछली बार और अभी भी सक्रिय हैं उन लोगों को ये शायद पहली सूची में ले लेंगे। अजीत जी, एक सवाल यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगी कि आज जो एक जयपुर में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और उसके बारे में भी हम यही दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि वो भी कहीं ना कहीं टिकटों के बंटवारे को लेकर क्या पैमाना हो, क्या मापदंड हो, उस पर भी चर्चा हो रही है शाम तक, तो क्या माने कि एक लिस्ट दिल्ली में भी तैयार होके रखी हुई है, तो यहाँ से फीडबैक लेकर और फिर इस लिस्ट में फेरबदल की भी संभावना है क्या? नहीं, होता यह है कि अभी तक कांग्रेस की जो पुरानी परंपरा थी और कांग्रेस के संविधान के अंदर एक परम बनाया गया है कि प्रदेश चुनाव समिति बनेगी, और प्रदेश चुनाव समिति का काम पहले यह होता था कि ब्लॉक और जिले से नाम मांगती थी, ब्लॉक वाले अपना पैनल भेजते थे, जिले वाले अपना पैनल भेजते थे, फिर प्रदेश चुनाव समिति उस पर मंथन करती थी, फिर प्रदेश चुनाव समिति उसमें नाम तय करके अपना एक पैनल बना के दिल्ली भेज देती थी स्क्रीनिंग कमेटी के पास। लेकिन अब राहुल जी का जमाना आ गया है तो राहुल अपने तरीके से फैसले कर रहे हैं, तो गुजरात चुनाव में इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि जो प्राइवेट एजेंसी हैं उनसे सर्वे कराया सीटों का, हर सीट का, कि कौन कैंडिडेट जीतने वाला हो सकता है, और उसके आधार पर इन लोगों ने फिर वो कैंडिडेट तय करे थे। तो ये लगभग वही परंपरा इन्होंने अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सभी जगह कर रहे हैं। अब प्रदेश चुनाव समिति, इसलिए प्रदेश चुनाव समिति के अब जो काम है वो कम हो गया है, कम रह गया है अब, क्योंकि पार्टी संविधान के अंदर ये है कि भाई प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है, उसको करना है, इसलिए ये बैठक हो रही है। अब उस बैठक में मोटे तौर पर एक, क्योंकि अब एक दिन की बैठक है केवल ये, वरना एक दिन में पैनल कहाँ तैयार होते हैं 200 सीटों के, ये एक दिन की बैठक है, और इस बैठक में भाई यही रहेगा मोटे तौर पर कि हाँ भाई सब लोग सहमत हैं दिल्ली वाले इस नामों को तय करें। दिल्ली वालों मीन्स मतलब कांग्रेस आला कमान तय करे नामों को, तो कांग्रेस आला कमान ने अपनी तरफ से प्रक्रिया शुरू करा दी है। स्क्रीनिंग कमेटी ने यहाँ 2-3 बैठकें कर ली हैं, उसमें जो इन लोगों ने जो एजेंसीज के जो फेड भी कहा था उसको फिट जो लिया था, जो नाम आए थे एजेंसियों के द्वारा उनको देख लिया है, जो सेक्रेटरी थे 4 उनके नाम जो दिए हैं उनको देख लिया है, उन नामों को देख के इन लोगों ने अपनी तरफ से एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर तय कर लिया है कि ये कैंडिडेट नंबर 1 है, नंबर 2 है, इन सीटों पे ये तय कर लिया है। अब प्रदेश की तरफ से, क्योंकि पार्टी संविधान में ये बात है कि प्रदेश चुनाव समिति होनी जरूरी है, इसलिए ये एक औपचारिकता होगी, इसमें बहुत कुछ होने नहीं जा रहा है। जी अजीत, एक सवाल हमारा ये भी है कि अभी तक अगर कांग्रेस को देखे तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रही है, चाहे वो चुनाव प्रचार की तमाम घोषणाओं को देखे या कुछ भी देखे, तो क्या यहाँ पर कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट पे पहले आएगी या फिर यहाँ पर भी वो वेट एंड वॉच रहेगी कि बीजेपी का कौन उतरता है उसके आधार पर आगे और एक्शन लिया जाए? वो कुछ सीटें होती है, देखिए क्या होता है, दोनों दलों में कुछ सीटें ऐसी होंगी 30-40 जहां पर ये लोग वेट एंड वॉच करेंगे कि भाई ये किसको उतारते हैं मैदान पे, उस हिसाब से ये तय करेंगे। बाकी जो जहां पर माना कि जो मजबूत कैंडिडेट हैं इनके, जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं या जीतते जा रहे हैं, उन लोगों के नाम ये पहले निकाल देंगे। ये कुछ सीटें ऐसी होंगी जिसमें कि ये रणनीति बनाएंगी कि भाई ये फला सीट में कमजोर है हम लोग, अगर बीजेपी किसको उतारती है वो देखना पड़ेगा, वो जातिगत समीकरण बिठाएंगे, सारी चीजें देखेंगे, उस हिसाब से ये टिकट बांटेंगे। तो कुछ सीटों पर वो सीटें 30-40 हो सकती हैं जिसमें कि आखिरी दौर तक मामला चला जाए, मतलब नवंबर तक ही जाए, या क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव है वो 7 दिसंबर को है, बिल्कुल, और ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत इन लोगों ने टाइम राजस्थान का रखा 7 दिसंबर, क्योंकि 10 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं राजस्थान को, बिल्कुल, प्रचार के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 5 दिसंबर तक प्रचार होगा और बाकी जगह पहले समाप्त हो जाएगा। अच्छा, संभावना तो क्या लगती है अजीत आपको कि पहली सूची कब तक आ जाएगी? तो वो पूरी स्ट्रेटेजी, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से 15-16
के 15 के बाद कभी भी आ जानी चाहिए एक लिस्ट। अजीत जी, यहाँ पे आपने पिछली बातचीत में जिक्र भी किया था इस बात का, सर्वे रिपोर्ट्स का जिक्र किया था जो कि राहुल गांधी ने करवाया है, और आपने कहा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी का उस तरीके से संविधान रहा है तो प्रदेश कांग्रेस जो है वो भी एक बैठक कर रही है, औपचारिक बैठक किसे कह सकते हैं क्योंकि सब कुछ दिल्ली से तय होना है। लेकिन इस बीच उन लोगों का क्या होगा जो नाराज होते हैं टिकट बंटवारे के बाद, तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए दिल्ली से बैठकर राहुल गांधी कौन सी रणनीति अख्तियार करने वाले हैं? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि एक सीट पर 10-10 लोग होते हैं और टिकट मिलना एक जने को होता है। पार्टी भी जानती है इस बात को कि भाई ये आखिर में कई लोग नाराज होंगे इसमें, इसलिए पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है कि जैसे जिस सीट पे जो पहले मजबूत प्रत्याशी हैं उनका नाम अनाउंस कर दो, बाकी लोगों को धीरे धीरे ये एक कहते हैं लुभाने की कोशिश करते हैं कि भाई आप पहले सरकार को आने दो, फिर देखेंगे आपको कहीं एडजस्ट करेंगे। ये दोनों पार्टियों को झेलना पड़ेगा इस बात को कि नाराज भी होंगे, और मेरे को तो यहाँ तक जानकारी कि अगर कांग्रेस को लगेगा कि कुछ दूसरे दलों से ऐसे लोग आने को तैयार हैं कि जो मजबूत हैं और जीत सकते हैं, तो कांग्रेस भी उन लोगों को टिकट दे सकती है, और बीजेपी भी ताक में होगी कि भाई कांग्रेस का कोई ऐसा कैंडिडेट हमें मिले जो जीतने लायक और हम थोड़ी सी मेहनत करें। तो ये सब चीजें दोनों पार्टियां और उनके जो नेता हैं उनके जो सोर्सेज हैं वो सब दल बदल के लिए भी जो नेता हैं उनके लिए ये मुफीद वक्त है, और शायद वो इसकी जुगत में लगे भी हुए होंगे। जिनको भी ये मालूम होगा कि मेरा टिकट कटने वाला हो है तो शायद वो अलग अलग पार्टियों से संपर्क साधने की कोशिश में होंगे। फिलहाल शुक्रिया।